लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। बदहाली और तंगहाली की मार से जूझ रहे हैं बुंदेलखंड के किसानों ने अब अपनी परंपरागत खेती से मुंह मोड़कर बागवानी की राह पकड़ ली है और इसी बागवानी में वो इंटरक्राफ्ट खेती कर लाखों रुपए की सब्जियां पैदा कर रहे हैं। हालांकि उनके इस नए प्रयोगों के लिए कृषि वैज्ञानिक का पूरा सहयोग मिल रहा है, जिसके चलते अब बुंदेलखंड के किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत होने के अवसर मिल रहे हैं। अब इस बगीचे को देखिए, जिसमें लगे अमरूद के पेड़ों पर बेहतरीन अमरूद के फल लटक रहे हैं, जिसे देखकर शायद आपके मुंह में पानी भी आ जाए। महज 3 बीघे खेत में बोए गए इस अमरूद के बाग से इस बाग का मालिक लाल सिंह ने 40,000 रुपए की कमाई कर चुके हैं और फिर उसने इस बाग में इंटरक्राफ्ट खेती कर तरह तरह की सब्जियां बोकर अपनी पैदावार को 3 से 4 गुना तक बढ़ा लिया है। इस किसान ने बाग के बगीचे में प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर, गोभी जैसी की कीमती सब्जियां लगाकर खाली पड़े बाग की जमीन का भी पूरा उपयोग शुरू कर दिया है। इसने अपनी मेहनत और लगन की मदद से बुंदेलखंड के किसानों को खेती की नई राह दिखानी शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।